अच्छी लगी है सच में। बहुत टाइम बाद अच्छी स्टोरी, अच्छे डायलॉग्स और एक्शन, एक्टिंग तो खैर अच्छी है ही, अलावत और आयुष्मान खुराना, अच्छी एक्टिंग तो मतलब वो ऑलरेडी सबको पता ही है कि अच्छी एक्टिंग करते हैं। बहुत अच्छा सच में, मतलब मैं ट्रूली बहुत टाइम बाद कोई अच्छी मूवी देखने को मिली है। मैं बहुत रेयरली मूवी देखता हूँ, मतलब वैसे देखता हूँ मूवीज़, बट ट्रेलर से या पोस्टर से चीज़ों से पता चल जाता है। वो तो ऑल टाइम फेवरेट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बट पर्टिकुलरली इस मूवी में सारा काम, मतलब मुझे इन टोटल बहुत अच्छी मूवी लगी है। डायलॉग, स्टोरी, ट्विस्ट और एक्टिंग वाइज दोनों का काम बहुत अच्छा था। म्यूज़िक बहुत अच्छा था और जो रीमेक है सॉन्ग का वो भी बहुत प्यारा था। आई वुड से 5 out of 5। थैंक यू। हाँ एक्शन मूवी, हाँ वही देखिए। नहीं मूवी ठीक है, अच्छी है, वन टाइम वॉच तो है ही मूवी। नहीं आयुष्मान ने अच्छी एक्टिंग करी बहुत, जयदीप तो कमाल कर दिया उन्होंने। तो म्यूज़िक नॉर्मल था, मतलब ठीक था, अच्छा था, एक्शन था और तो कुछ नहीं, एक्शन अच्छा था मूवी बहुत। हाँ वन टाइम वॉच तो है ही, अगर जिसको कोई फ़ैन है आयुष्मान का तो देख सकता है, बाकी सब 3 star। थैंक यू जी। बहुत अच्छी फिल्म लगी, कुछ अलग देखने के लिए मिला है आयुष्मान खुराना का, कुछ नया काम आया है। कॉमिक तो हम देखते रहते थे लेकिन अभी कुछ नया एक्शन आया है तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ बोलूँगा। दूसरी चीज़ हरियाणा का इन्होंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिया है तो जयदीप अहलावत का काम मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम जो है हरियाणा से, तो हरियाणा की एक जो छोटी छोटी डायरेक्टर ने बहुत अच्छी चीज़ की है, जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा, जो पहलवान होते हैं उनके कान बहुत अलग होते हैं, हेयर स्टाइल बहुत अलग होता है, तो वो कुछ डायरेक्टर ने नया करा और ऑब्वियसली जयदीप भाई का भी इसमें जो है कंट्रीब्यूशन रहा होगा। तो माइंड ब्लोइंग वर्क जयदीप अहलावत और जो आयुष्मान भाई के साथ में बहुत अच्छा वर्क किया उन्होंने। म्यूज़िक अच्छा था, मैं अगर सही बात बोलूँ तो बहुत बढ़िया था, मतलब हर इंसान ने अपना बहुत अच्छा काम किया है। हाँ मेरा तो वसूल हुआ है 5। हाँ अभी देखा है मैडम, बढ़िया है, अच्छी है, बढ़िया काम है, और जो विलन है जयदीप अलावा उनका बढ़िया काम है। मतलब स्टोरी चल रही है, सारे पार्ट तो सारे ही बढ़िया हैं। म्यूजिक बड़ा खतरनाक म्यूजिक है, हैं? हाँ वो जो क्या नाम उनका कैबरे डांसर जो बनी हुई है, बढ़िया काम है उनका भी। 5 में से 5 ही देंगे मैडम, को कमी नहीं फिल्म के अंदर, भले ही पब्लिक कम हो, सुबह के टाइम पब्लिक कम ही आती है ना, ये बात है। वेलकम। हाँ अच्छी लगी, बहुत अच्छी है, एक्शन है, कॉमेडी है, डांस है। आयुष्मान खुराना का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, साथ में जयदीप अहलावत, उसका भी काम अच्छा है और उसमें डांस भी है, दो मलक अरोड़ा का, नौरा फतेह का डांस भी बहुत अच्छा है। म्यूजिक कितना अट्रैक्ट कर रहा है ऑडियंस को? बहुत ज़्यादा, साथ में एक्शन भी है ना, पिक्चर का नाम एक्शन हीरो, इसके जैसा जैसा नाम है वैसा काम है। क्या मूवी पूरी पैसा वसूल है? हाँ पैसा वसूल है। सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा इस पूरी पिक्चर में? कॉमेडी, अच्छे कॉमेडी है, एक्शन कॉमेडी है, अच्छे है। 4। मुझे अच्छी लगी, वन टाइम वॉच है, मतलब एंटरटेनिंग है फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, यू वोंट गेट बोर्ड। आयुष्मान खुराना इज़ वेरी गुड, ही लेंस हिज क्रेडिबिलिटी एज एन एक्शन हीरो एज वेल। उन्होंने बहुत वाइड रेंज ऑफ रोल्स किए हैं, कभी गंजापन, कभी गे का, कभी अलग अलग तरह के रोल्स करते रहे, कभी नपुंसक का, और ये मूवी में एक एक्शन हीरो है तो ही लेंस हिज क्रेडिबिलिटी एज एन एक्टर एंड ही इज़ वेरी गुड इन हिज रोल। जयदीप अहलावत इज़ अमेजिंग, वो हरियाणवी एक्सेंट क्या पकड़ा है उन्होंने, और बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही, फर्स्ट हाफ बहुत स्लो पेस्ड है, सेकेंड हाफ में इट पिक्स अप और फिर काफ़ी यू नो जल्दी जल्दी फास्ट पेस्ड है, एंड भी अच्छा है तो बांध के रखती है, पीपल आर एंजॉयिंग, बीच में जोक्स भी हैं, अच्छा है। और आयुष्मान खुराना के बहुत सारे यू नो मल्टी लेयर्ड यू नो उनकी पर्सनैलिटी दिखाई है, कभी एग्रेशन, कभी एरोगेंस, कभी फ्लैम्बॉयंस, तो वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में यू नो जो डिफरेंस है वो दिखाया गया है।
म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और रिमिक्स गाने भी, चाहे वो जेदा नशा जिसमें नूरा फतेह शी लुक्स सिजलिंग हॉट, और मलाइका वलप्शियस यू नो इन दैट सॉन्ग, आप जैसे कोई मेरी जिंदगी, आई थिंक म्यूज़िक इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। मतलब जितने भी कंपोजर्स हैं इंक्लूडिंग तनिष बागची, बहुत अच्छा रिमिक्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। हाँ कह सकते हैं, मतलब आई वुड रेट इट ओवरऑल 2.5 to 3, क्योंकि बांध के रखती है फर्स्ट हाफ की वजह से थोड़ा ये हो गया, बट एडिटिंग बहुत क्रिस्प है नीनाद खनोलकर की, और कौशल शाह की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। डायरेक्शन अनिरुद्ध अय्यर का डायरेक्टोरियल डेब्यू है, तो ही इज़ वेरी गुड। तो ओवरऑल आई थिंक वन टाइम वॉच 2.5 to 3। थैंक यू। यस, आई जस्ट वॉच द फिल्म, इट्स अ वेरी गुड फिल्म। आई विल से कि व्हाट आई सॉ इन द ट्रेलर वॉज नॉट व्हाट आई वॉज एक्सपेक्टिंग। वंस आई वेंट इन टू द फिल्म, इट वॉज सो एंगेजिंग, इट वॉज डिफरेंट फॉर श्योर। आई वॉज रियली मच सरप्राइज विद द एक्शंस दे हैव कोरियोग्राफ्ड एंड द वे दे हैव शॉट द whole film. So again with the camera work, I am a person of camera myself, so I really enjoyed the camera work. I really enjoyed the way they have used different stylizations of scenarios and all, so it's very nice overall. He's doing a good good films so far, I can say. Like, he's doing good jobs in the Bollywood industry for sure. And this, Yes. Nice. Yeah. Music was very attractive for sure. And when you are talking about music, now we are connecting to the youth. So Divine is coming, these people are coming. So music is very, very much at a place where I can feel like, yeah, this is my jam. Yeah, for the price of the ticket, I'll say yes. Out of 5, how many stars? 4.5. Thank you.